दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस महिमा चौधरी लंबे समय बाद सुर्खियों में है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो वह राजस्थान में कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रही है। महिमा चौधरी लोकसभा चुनाव में चुरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में प्रचार कर रही है। आज दोस्तों उन्होंने चुरू में कांग्रेस के रोड शो में हिस्सा लिया। खबर ऐसी भी है कि रोड शो में भारी भीड़ होने की वजह से महिमा चौधरी चोटिल भी हो गई। दोस्तों, क्या आप महिमा चौधरी के फिल्मी सफर के बारे में जानते हैं? अगर दोस्तों नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महिमा चौधरी के फिल्मी सफर के बारे में। दोस्तों, महिमा चौधरी ने साल 1997 में फिल्म परदेश से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और अपूर्व अग्निहोत्री थे। शाहरुख जैसे बड़े स्टार के होने के बावजूद महिमा ने फिल्म से अपनी पहचान बनाई। फिल्म में भारतीय गाँव की लड़की गंगा के उनके भारतीय किरदार ने उनके घर घर में मशहूर कर दिया। महिमा पर फिल्माया गया गाना आई लव माई इंडिया समेत फिल्म के सभी गाने दर्शकों को काफी पसंद आए और मशहूर भी हो गए। दोस्तों, फिल्म परदेश ने उनको मशहूर तो किया और साथ ही उन्हें बहुत कुछ बना दिया। परदेश के लिए महिमा चौधरी को कई इनाम मिले। फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। साल 1997 की सबसे हिट फिल्मों में परदेश शामिल रही। महिमा को फिल्म पंडितों ने साल 1997 की बॉलीवुड की खोज करार दिया। दोस्तों, बॉलीवुड महिमा के बारे में बहुत बुरा सोच रहा था, जबकि उनकी तकदीर उनके लिए कुछ और ही तय करके बैठी थी। परदेश के बाद में महिमा चौधरी के हिस्से में नाकामयाबी ही ज्यादा आई। दोस्तों, महिमा के पहली हिट के बाद में फिल्में तो लगातार मिली, लेकिन एक हिट के लिए वे तरसती रही। दाग और धड़कन से उनके हिस्से में थोड़ी सराहना तो आई, इसके बाद वो धीरे धीरे साइड हीरोइन बन गई। साल 2006 के बाद में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने भी बंद हो गए। दोस्तों, साल 2008 में आई उनकी फिल्म गुमनाम के बाद तो वो पर्दे से ही गायब हो गई।